भाग्यश्री और बीसीएन न्यूज के इंस्टाग्राम स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है करणवीर और जो कि एक फूड ब्लॉगर है, जिनको फॉलो कर लोग नागपुर में नए नए डिशेज ट्राई करने भी जाते हैं। तो हेलो करणवीर, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। पहले तो आपसे आपको ये जानना चाहते हैं हम आपसे कि फूड ब्लॉगिंग का आइडिया आपको कहाँ से आया और किसे देखकर आपको ऐसा लगा कि मैं भी फूड ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। ओके, सो टू बी ऑनेस्ट मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, लाइक फूडी तो मैं हूँ ही, आप मेरे को देख के ही समझ सकते हो। बिल्कुल। तो ऐसा है कि 2017 के दिसंबर में मेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ गया हुआ था। तो मैंने वहाँ एक बंदे को देखा, वो कैमरा वगैरह कैरी करके फूड की पिक्स खींच रहा है और लाइक मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो कि क्या चल रहा है। तो तब मैंने उनके बारे में कुछ पता नहीं था मुझे, और मैंने देखा, छोड़ दिया, दिमाग से निकल गया। बट इंस्टाग्राम पे 3-4 दिन बाद स्क्रॉल करते करते मुझे उनका अकाउंट दिखा और उनका नाम है पार्थ बजाज, जो नागपुरी तड़का के नाम से पहले अकाउंट चलाते थे। तो मैंने उनको देख के स्टार्ट किया था और मैंने उनको, आप समझ लो कि जैन की स्टार्टिंग के आसपास मैंने फॉलो किया था उनको, और जैन से फॉलो कर रहा था। तो इट वॉज़ लाइक मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था। तो मेरे मन में था कि यार मुझे पहले, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा कि इतने लोग नहीं हैं। मैंने बोला अगर पार्थ भैया कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे पास उस टाइम रिसोर्सेज नहीं थी, छोटा सा फ़ोन था, बट आई थॉट कि करना चाहिए। तो जिस दिन मैंने अकाउंट बनाया उसी दिन मुझे पता लगा कि उस टाइम भी 12 से 15 लोग थे, अब तो लाइक ऑलमोस्ट 500 प्लस हो चुके हैं। रिनाउंड हैं, जो न्यू स्टार्ट हैं, जो बिग मिडल में हैं, सबको मिला के 500-600 लोग जो ये परस्यू कर रहे हैं नागपुर में। बट उस टाइम पार्थ भैया को देख के मैंने स्टार्ट किया था, July 10th, 2018 को। तो आइडिया मुझे पार्थ भैया के थ्रू ही आया था, लाइक ही इज माई आइडल इंस्पिरेशन, आप जो भी बोलो। आप किस तरीके के प्लेस पर जाकर विजिट देते हैं, यानी स्ट्रीट फूड या होटल्स या रेस्टोरेंट्स में? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो देसी स्ट्रीट नाम है वो भी मैंने पार्थ भैया से पूछ के रखा था। लाइक उनको मैंने दो नाम दिए थे कि भैया मुझे कौन सा रखना चाहिए। तो मैंने, उन्होंने बोला कि द देसी स्ट्रीट साउंड्स बेटर। तो मैंने द देसी स्ट्रीट इसलिए, लाइक मेरा मोटिव यही था कि सब लोग तो 5 स्टार्स में और एकदम लग्जरी रेस्टोरेंट्स में जाके नहीं खा सकते ना। सो माई थॉट वॉज कि वैसा ही आइटम बट कम रेंज में, कम प्राइस में, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते बट वो फूडी हैं। तो स्ट्रीट फूड पे मैंने पहले ज़्यादा फोकस किया और स्ट्रीट फूड को मैंने पहले ज़्यादा एक्सप्लोर किया। बट एज यू नो, इनवाइट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें साथ साथ रेस्टोरेंट का फूड भी डालना पड़ता है और उसके बाद ब्रांड्स के कोलैबोरेशंस भी आते हैं। सो इट्स लाइक दैट। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक बार होता है, एक बार आपका नाम बन जाता है इन द सेंस कि आप रिनाउंड हो जाते हो, आपका काम लोग अप्रिशिएट करते हैं, तभी आपको इनवाइट्स आने स्टार्ट होते हैं। उससे पहले आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ता है और पहले पेज को बिल्डअप करना पड़ता है, ना कि आपको लोगों को मैसेज करना पड़ता है कि हमें आप इनवाइट पे बुलाओ या फिर हमें फ्री फूड दो। पहले खुद से मेहनत करनी पड़ती है, एक्सप्लोर करना पड़ता है और टाइम देना पड़ता है, सबसे ज़रूरी बात इस चीज़ को। बिल्कुल सही करण भी। आपके कुछ ऐसे पोस्ट जिसको आपको लव भी मिला हो, हेट भी मिला हो, कमेंट्स में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिलता ही है, सबको ही मिलता है यार, तो उसमें आप डीमोटिवेट भी हुए होंगे, तो फिर उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? देखो, हेट तो नहीं मिला मेरा हमेशा, लाइक मैं स्टार्टिंग से ही फन कंटेंट भी डालता हूँ, लाइक कॉमेडी वाइंस एंड ऑल, और फूड कंटेंट भी डालता हूँ। तो टचवुड, आज तक फूड कंटेंट से रिलेटेड मुझे कभी कोई हेट नहीं मिला है। मिक्स्ड ओपिनियंस मिले हैं कि कभी हमें जो फूड मिलता है वो जो हमारे लाइक गाइडेंस पे या हमारे सजेशन पे लोग खाने जाते हैं उनको नहीं मिलता है, तो प्लेटिंग का डिफरेंस होता है, टेस्ट का डिफरेंस होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत हम बीच में फंस जाते हैं, रेस्टोरेंट के ब्रांड के और ऑडियंस के बीच में ब्लॉगर्स लोग फंस जाते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपने जो बोला कि आपकी वीडियो वायरल गई थी, तो मेरी 2 से 3 रेसिपीज़ थी वो 2019 में वायरल गई थी इंस्टाग्राम पे, जब रील्स नहीं थी, नॉर्मल वीडियो मेरी गई थी 3.5 लाख व्यूज़। ओके, तो उस टाइम पे मेरा मतलब 10,000 लोगों ने शेयर किया था, सेव किया था और 3.5-4 लाख व्यूज़ गए थे उस पे। उसके बाद मेरा पेज डेड हो चुका था एकदम, 2019 के बाद मेरा अकाउंट वॉज डेड। और आज अभी 2021 में पिछले एक हफ्ते में मेरी एक रील है जो अभी 2 मिलियन क्रॉस हुई है। हाँ, 20 लाख व्यूज उस पर क्रॉस हुए हैं और उस पर पॉजिटिव ही है ज़्यादा। सो नेगेटिव इज़ लाइक ऑलमोस्ट एकदम कम है नेगेटिव। सो इट फील्स हैप्पी कि मैं दोबारा ग्रो करना स्टार्ट हुआ है मेरा और आगे पोस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, तो अब तक का आपका फेमस वीडियो जिससे आपके व्यूवर्स काफी बढ़ गए, या फिर ऐसा आपको लगा हो कि मुझे फूड ब्लॉगिंग में और आगे बढ़ना चाहिए? यही वाला, ये बट ये फूड का नहीं था, ये कॉमेडी वाला वीडियो okay. था। फूड वाला जो था वो रेसिपी वीडियो था, हाँ. जिससे मुझे लगा था, बट एक्चुअली जब मैंने वो रेसिपीज डाली, तो वो रेसिपीज डालने के 10-15 दिन बाद मेरी रेडिसन ब्लू में इंटर्नशिप थी, तो 3 महीने की मेरी इंटर्नशिप थी, तो मेरा जो मुझे और ग्रो करना था, मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दी थी बीच में। मैं 1 से 1.5 महीना इनकंसिस्टेंट हो गया था, तो ऐसा था कि जो ग्रोथ हुई थी वो भी डाउन हो गई थी, तो उल्टा पासा उल्टा पड़ गया था मेरे पे, तो वो मुझे 2 साल झेलना पड़ा, एटलीस्ट 1.5 साल मुझे वो चीज़ झेलनी पड़ी। बट नाउ आई एम बैक, और मैंने रेसिपी सॉरी अब मैंने स्ट्रीट फूड की वीडियोस, मैं अमृतसर और हैदराबाद गया था, तो वहाँ का फूड वीडियोस मैंने डालना स्टार्ट किया है, एंड नाउ आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। फॉलोअर्स ग्रो हो रहे हैं, हाँ, नागपुर के बाहर भी मैं जा रहा हूँ, और दिल्ली का एक पेज है, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर, तो उनके लिए भी वीडियोस मैं बनाता हूँ। ओके, ब्लॉगिंग के स्टार्ट से लेकर अब तक कोई ऐसा फनी मोमेंट जो हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहते हो? फनी मोमेंट ऐसा तो कुछ ना कुछ तो आता है। फनी मोमेंट तो ये कि इनवाइट्स पे जब जाते हैं तो फ्रेंड्स बन जाते हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, को ब्लॉगर्स हैं, फेलो ब्लॉगर्स हैं, जो भी हम बोलें, तो एक बॉन्ड बन जाता है, तो हंसी मजाक होता है, तो कभी किसी की टांग खींच ली, कभी किसी की टांग खींच ली, तो कभी कभी एक बार मेरी पैंट पे पानी गिर गया था okay. तो हाँ, खाना खा रहे थे कि फोटो खींच रहे थे, मुझे याद नहीं है, बट वही था कि मेरी पैंट पे पानी गिर गया था, तो उस दिन मेरी बारी थी कि मेरी टांग खींची जाएगी। तो उसके अलावा एक बार हाँ, मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि हम खाना खाने जाते हैं तो बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि हमें गर्म खाना मिलेगा okay. क्योंकि इनवाइट्स पे एटलीस्ट 5 से 10 ब्लॉगर्स जाते हैं, जाती है। तो ऐसा है कि हम तो सीधा ही बोलते हैं कि हमें तो ठंडा ही खाना मिलेगा, क्योंकि फोटो खींचने बैठो तो एक ब्लॉगर 10 से 12 मिनट लेता ही है, क्योंकि हाँ। उनको पर्टिकुलर अपने अपने प्रेफरेंस से अपने एंगल से फोटो खींचने की उनको वो होती है, आदत होती है, तो जब तक फोटोज नहीं खींची जाती तब तक खाना ठंडा हो जाता है। तो जब हमें गर्म खाना मिलने लगा लॉकडाउन में, तो सब एक दूसरे को बोल रहे हैं यार लाइफ चेंज हो गई है, आदत हो जाती है ना ठंडा खाने की। हाँ, तो मतलब फनी वही है कि हंसी मजाक होता है हमारे बीच में, सबके बीच में। ओके, ऐसा कोई किस्सा जब आप किसी के रेफरेंस से कोई डिश ट्राई करने गए हो पर यार वो आपको ही पसंद नहीं आया, तो आपने उसे सिचुएशन में क्या किया? तो क्या आपने उसको पोस्ट किए हो फॉलोअर्स के लिए, या फिर क्या क्या किया? नहीं, ऐसा देखो, किसी के प्रेफरेंस में मैं गया हूँ और मुझे वो अच्छा ना लगा हो, ऐसा नहीं हुआ है। okay. बट ऐसा था कि मैं एक तो जगह खुद के इससे गया हूँ कि यार ट्राई करते हैं, और उन्होंने रेट इतना रखा है लेकिन उनका टेस्ट कुछ भी नहीं था, वर्स्ट। मैं एक सैंडविच खाने गया था, मैं एक जगह लिटरली द वर्स्ट सैंडविच ऑफ माई लाइफ आई हैड, तो ऐसा था कि इतना बेकार, और आपने बोला कि आप उस चीज़ को पोस्ट करोगे या नहीं, तो सीधी सिंपल सी बात है, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, 5 डिशेज हमने ट्राई की, 2 डिशेज हमें अच्छी नहीं लगी, तीन हमें अच्छी लगी, हाँ. तो उन्होंने बोला है कि आपको 4 से 5 डिशेज कवर करना है। okay. तो हमें जो 2 अच्छी नहीं लगी हम रेस्टोरेंट तक ही रखेंगे वो बात, रेस्टोरेंट वाले को बोल देंगे कि सर आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। okay. और हम फोटोज 5ों की डाल देंगे, हाँ. लेकिन जो मेन 3 अच्छी लगी हमको, हम उनको हाईलाइट ज़्यादा करेंगे, और जो नेगेटिव पार्ट है, जो 2 डिशेज हैं, हम उनको बोलेंगे कि उनको मतलब हम मेंशन नहीं करेंगे बेसिकली कैप्शन में, तो okay. जो बेसिकली जो 3 डिशेज हैं हम उनको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, ताकि लोग उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें उन डिशेज की तरफ, और तब तक अगर जो दूसरी 2 डिशेज अगर लोग वो भी ट्राई करते हैं, तो हमने तो रेस्टोरेंट को पहले ही बता दिया ना कि आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, इम्प्रोवाइजेशन करने की ज़रूरत है, तो होपफुली रेस्टोरेंट भी तब तक इम्प्रोवाइजेशन कर लेता है। हाँ, हम तो अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि हाँ. जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ें ही आगे लाई जाएं, नेगेटिव ना लाई जाएं, क्योंकि अगर हम सीधी सी बात है, फेक आज तक मैंने कभी नहीं किया, हमेशा जेन्युइन ही करता हूँ मैं, फेक आज तक मैंने कभी नहीं किया, कोई आके मुझे ये नहीं बोल सकता कि भाई तू गलत रिव्यू देता है, मैं उससे भी बात कर लूंगा अगर कोई बोले ऐसा मेरे को। अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो हर पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या कोई गवर्नमेंट जॉब करेगा, तो अगर आपके पेरेंट्स को पता चला कि आप फूड ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है, तो तब आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स हैं बहुत पुराने ज़माने के, इन द सेंस कि मेरा बर्थ हुआ था लेट। okay. तो ऐसा है कि मॉम डैड की थोड़ी एज है, तो सीन ऐसा है कि उनको नॉलेज नहीं है, उनके पास नॉर्मल कीपैड वाले फ़ोन्स हैं, उनको सोशल मीडिया का कुछ भी आइडिया नहीं है, हाँ. बट वो हमेशा से उनको यही रहा है कि हमारा एक ही बेटा है,
और उसे जो करना है वो करे। मैंने होटल मैनेजमेंट बोला, मुझे आइडिया कुछ भी नहीं था, मैं 8 से बोलता था कि यार होटल मैनेजमेंट करूँगा। होटल मैनेजमेंट का एच भी नहीं आता था, पता भी नहीं था, बट होटल मैनेजमेंट करूँगा। तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले दी, कॉमर्स में एडमिशन ले दी, फिर होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले दी। उसके बाद मैंने बताया कि मैंने ये काम, वाइंस बनाता था मैं पहले यूट्यूब पे, तो उसमें भी उन्होंने लाइक हंसा ही रहा हूँ ना लोगों को। और अभी एज है 20, 21, 22 तक एक्सपेरिमेंट्स हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो उनका कभी मेरा साथ मतलब होता है कि तू ये क्या कर रहा है सारा दिन, ये अभी 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 भी बोलते हैं कि कुछ अर्निंग कर इससे, कुछ अर्निंग कर। इसीलिए मैंने अभी पेड प्रमोशन स्टार्ट किए हैं, बट ड्यू टू कोविड हमें भी पता है कि रेस्टोरेंट्स और ब्रांड्स आर नॉट अफोर्डेबल, कि वो मतलब पैसे नहीं दे सकते वो भी, तो हम भी उनकी हेल्प जितना हो सके कर रहे हैं। तो यही मुझे घर वालों को प्रूव करना था, तो जो मेरी वीडियो वायरल हुई है अभी, उनसे उनका सपोर्ट फिर से वापस आ गया मेरा पिछले 8-10 दिन में। दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 1.5 साल से मेरा ग्रोथ एकदम डेड था। सो वो ही होता ही है ना, सिचुएशन के हिसाब से फिर घर वालों का मूड चेंज होता है। मतलब स्टार्टिंग से उन्होंने कभी इस चीज़ को मुझे हेट नहीं किया, क्रिटिसाइज थोड़ा बहुत किया है, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, उनको सोशल मीडिया से दूर दूर तक उनका नाता नहीं है। तो इसलिए मुझे पता है कि मुझे मेरा काम है उनको समझाना जितना पॉजिटिव वे में हो सके। तो ऐसा कभी उन्होंने मुझे लाइक टोका है बट मना नहीं किया कि तू मत कर, कर लेकिन संभल के कर, ऐसा बोला जाता है मेरे घर पे। तो अब आगे आप फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट कर तो दिए हो, लेकिन जब थोड़ी देर चालू होने के बाद, थोड़ा रिस्पांस कम ज़्यादा होने के बाद, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसमें आप आगे और बढ़ सकते हो, या आप अपना प्रोफेशन चेंज कर लोगे, ऐसा कुछ? अभी मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी एक नया नया स्टार्टअप चालू किया है फूड रिलेटेड ही, तो वो भी मुझे एक्सपांड करना है। उसके बाद जो मैं दिल्ली के बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, रिनाउंड ब्लॉगर हैं, मैं उनके साथ उनके पेज के लिए फ्रीलांसिंग का काम कर रहा हूँ, जो मैं सिटीज़ में जाके फूड एक्सप्लोर करता हूँ वो वाला, तो वो भी मेरा चालू रहेगा। और कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, चाहे मुझे कोई जॉब मिले ना मिले, अगर जॉब मिलेगी, बड़ी से बड़ी जॉब मिलेगी, छोटी से छोटी मिलेगी, जो मिलेगी मैं करूँगा। लेकिन सीधी साफ सिंपल बात है कि ये ब्लॉगिंग ही मेरा पैशन है, तो जितना मैं लाइफ में ब्लॉगिंग तो कभी बंद नहीं करूँगा, भले दिन में एक पोस्ट डालूँ, दो दिन में एक पोस्ट डालूँ, मतलब कम हो जाएगा बहुत, लेकिन बंद नहीं होगा, ब्लॉगिंग तो कभी बंद नहीं होगी। और मैं चाहता हूँ, मैं स्टार्टिंग से चाहता हूँ कि मेरी मतलब मेरी वीडियोस भी लोगों तक पहुँचे, मैं भी एंटरटेन कर पाऊँ लोगों को, फन कंटेंट डालूँ, फूड रिलेटेड कंटेंट डालूँ। तो जैसे होता है ना, कीड़ा होता है, बड़े से बड़े यूट्यूबर्स कैसे बने हैं, कंसिस्टेंट रह के ही बने हैं ना। कुछ लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है, हम पढ़ाई भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन अपने पैशन को भी परस्यू करेंगे। पैशन के थ्रू भी हम इतना बताना चाहते हैं कि पैसे आ सकते हैं घर में, सीधी साफ बात। मैं बोलना चाहती हूँ, फूड ब्लॉगिंग के अलावा आप और कुछ और करते हो, या फिर सिर्फ फूड ब्लॉगिंग में ही आगे? हाँ, फूड ब्लॉगिंग के अलावा मैंने आपको बताया मैं फन कंटेंट, लाइक मुझे अभी वीडियो कॉमेडी वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, और कुकिंग थोड़ी बहुत करता हूँ मैं। आपके कॉमेडी वीडियोस बहुत ज्यादा आगे भी बढ़े हैं, हाँ, वायरल भी हुआ है, हाँ हाँ, इसीलिए तो कॉमेडी वीडियोस। और बाकी नहीं, बेसिकली मैं अगर कुछ करूँगा तो होटल रिलेटेड जॉब ही करूँगा। और उसके अलावा अगर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है, कोई मुझे अप्रोच करता है, अगर मेरी वीडियोस ज़्यादा वायरल होती हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लाइफ का भी हमें कुछ नहीं पता अगले 5 मिनट में क्या होगा, तो इतना फ्यूचर का तो कोई बता नहीं सकता, बट वही है कि हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लेके चलते हैं। तो जितना मैं तो मेरा तो ऐसा है कि जितनी जगह ज़्यादा तुम हाथ मार सको उतना हाथ मारो, कहीं ना कहीं तुम्हारा नंबर ज़रूर लगेगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि नागपुर में जब बाहर से कोई विजिट करता है, या कोई भी बोलता है कि हम नागपुर आ रहे हैं, तो उनका हमेशा ये रहता है कि यार तर्री पोहा खाना जाना चाहिए। तो फिर या फिर सब लोग यही बताते हैं कि यार तर्री पोहा यहाँ पे फेमस है। तो आप एज अ ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर, तो आप बहुत सारे जगह के एक्सप्लोर कर चुके हो, तो आपको भी पता होगा कि यार क्या क्या फेमस है, या सिर्फ तर्री पोहा है, या फिर और कुछ भी है जो आप किसी और सबको बताना चाहोगे, सजेस्ट करना चाहूँगा? हाँ, टू बी ऑनेस्ट, तरी पोहा का फैन बेस बहुत ज़्यादा अलग है, और तरी पोहा नागपुर में जैसा मिलता है, नागपुर के आउटस्कर्ट्स में भी डिफरेंट मिलता है, तो लोग अपना अपना फ्यूजन तरी पोहा का खिलाते हैं। बट द थिंग इज कि हमें लोगों को बताना चाहिए कि तरी पोहा के अलावा भी जो फ्यूजन फूड्स नागपुर में स्टार्ट हुए हैं, और काफ़ी बढ़िया स्टार्ट हुए हैं, स्टार्टिंग विद कि एक नायलॉन सेवपुरी मिलती है गांधीबाग इतवारी साइड में, लाइक काफ़ी सारे स्टॉल्स लगते हैं, चौपाटी लगती है, वहाँ पे नायलॉन सेवपुरी मिलती है। उसके अलावा पानी पूरी के काफ़ी अलग अलग जगह पे स्टॉल्स हैं, जहाँ 16 टाइप की पानी पूरी, 10 टाइप्स की पानी पूरी अलग अलग। उसके अलावा जरीपट का साइड आप चले जाओ तो आपको ब्रेकफास्ट में छोले राइस, उसके अलावा साउथ इंडियन बहुत सारा मिल जाएगा नागपुरी तड़के के साथ।
लाइक थोड़ा स्पाइसीनेस में, और उसके अलावा आपको बस फ्यूजन सैंडविचेस, फ्यूजन डो, फ्यूजन पिज्ज़ाज, बहुत वैरायटी मिलेगी आपको। एक स्पेशल चिकन मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के आपको। बट वही है कि लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है कि लोग पिज्ज़ा, सॉरी, लोग तरी पोहा खाएंगे, और उसके अलावा सांप जो बाहर से भी आएगा उसको भी बस तरी पोहा ही खिलाना है। ऐसा नहीं है, आप और भी जो बढ़िया बढ़िया डिशेज हैं वो एक्सप्लोर करवा सकते हो अगर नागपुर में कोई आता है तो। मैं लास्ट में बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप एज अ फूड ब्लॉगर, आप आपके व्यूवर्स को फूड ब्लॉगिंग के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या बताना चाहोगे? बढ़ना चाहिए, नहीं, क्या करना चाहिए? ओके सो अगर किसी को फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो बेसिकली यही होता है ना कि लोग कि या तो मोटिवेशन लेके स्टार्ट करते हैं या तो इन्फ्लुएंस होके स्टार्ट करते हैं, या तो सच में उनके मन में पैशन होता है पहले से ही तो वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई देख के स्टार्ट कर रहा है किसी ब्लॉगर को, तो ऐसा ना ये मन में मत रख के करो कि यार इनको फ्री फूड मिलता है, लाइफ लग्जरियस हो जाती है, मुफ्त का खाना मिलेगा, मस्त हम फोटोज डाल देंगे, अच्छा कैमरा होगा हमारा। नहीं, ये प्लीज़ ये सोच के मत डाल, ये सोच के चालू मत करो, क्योंकि इसमें आपको हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे होते हैं। मेरे दो तीन दोस्तों को हेल्थ इश्यूज़ हो चुके हैं, उन्होंने फेस भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि बस फ्री फूड स्टार्टिंग में मिल जाता है, पहले आपको पेज को ग्रो करना है, आपको ऑडियंस को अपने पेज की तरफ लाना है। और वो आप कैसे लाओगे, आपको यूनिक से यूनिक कंटेंट डालना पड़ेगा, आपको सारा सारा दिन घूमना पड़ेगा। अगर आप एक दिन में 4 से 5 घंटे भी देते हो और रेगुलरली आप 1 से 2 महीना ये चीज़ करोगे, और स्वीट डिशेस, उसके बाद स्ट्रीट फूड, उसके बाद अगर आपके पास कभी बजट ज़्यादा होता है या आप फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो, और रेस्टोरेंट्स में जाके अलग अलग क्यूजीन्स आप ट्राई कर सकते हो, और उसके बाद अलग अलग एंगल से आपको फ़ोटो खींचना है, उस चीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो गूगल पे जाके उसके बारे में रिसर्च करो और पढ़ो, उसके बाद आपको नॉलेज ग्रैब हो जाएगी, आप ग्रैब कर लोगे, उसके बाद आप स्टडी कर लोगे, तो उसके बाद आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा कि मुझे ऐसे काम करना है। और आपका अगर पेज एक बार चलने लग गया, लोगों तक पहुंचने लग गया, वायरल होने लग गई चीज़ें विद इन लोकेलिटी, विद इन नागपुर में, अगर आप नागपुर के ब्लॉगर बनना चाहते हो तो उसके बाद ही आप जा सकते हो किसी ब्रांड को अप्रोच करने। ऐसे मैं फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, भले 2000 फॉलोअर्स हों, 3000 हों, आप अप्रोच कर सकते हो, लेकिन तब तक आपको अप्रोच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप 2 से 3 हज़ार फॉलोअर्स तक वो करो, मेहनत करो, फिर देखना अपने आप ब्रांड आपके पास आएगा। छोटे से छोटा ब्रांड, छोटे छोटा रेस्टोरेंट आपको मैसेज करेगा कि हमको आपसे प्रमोशन करवाना है, तो क्या हिसाब किताब है। बट कभी खुद से सामने से मत जाना कि मैं फूड ब्लॉगर हूँ और मैं इतने फूड ब्लॉगर्स को जमा लूँगा और हम आपका प्रमोशन कर देंगे, आप हमें फ्री का खाना दे देना, बस हम पैसे नहीं लेंगे आपसे। दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग जो आजकल चल रही है। तो ये सच है, कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग नहीं बोलते हैं, बट ये चीज़ सच है। तो आई जस्ट से कि मोटिवेट योर सेल्फ टू डू जेन्युइन थिंग्स एंड नॉट फेक इट, प्लीज। सो फ्रेंड्स, आज हमने करण वे से जाना कि नागपुर में भी ऐसी चटर बटर की कई जगह है जहां पर हमें विजिट करना चाहिए और नए नए डिशेज को स्वाद लेना चाहिए। सो थैंक यू करणवीर आपके दी हुई जानकारी के लिए, जिसका हमारे व्यूवर्स को डेफिनेटली फायदा होगा। तो चलिए, मैं भाग्यश्री आपसे इजाजत लेती हूँ और ऐसे ही नए आइडियाज और नए ब्लॉगर्स के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपसे रूबरू होंगी बीसीएन के इंस्टाग्राम स्पेशल में। देखते रहिए बीसीएन न्यूज, और अभी के लिए टाटा बाय बाय, शब बखैर।